तमाम सांसदों पर, आपको भी और कई सांसदों को सस्पेंड किया गया, क्या कहना चाहेंगी? ये जो कार्रवाई की गई है, जो मास सस्पेंशन किया गया है सभी ऑपोजिशन एमपीज का, मैं समझती हूँ बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से मास सस्पेंशन हुआ है। बिल्कुल, आप लोग तो अपनी बात रख रहे थे, आप लोग तो सवाल उठा रहे थे। हाँ, हम लोग अपनी बात रख रहे थे, वी जस्ट वांटेड कि हमारे जो गृह मंत्री हैं वो आके जवाब दे, जो 13 दिसंबर की जो घटना हुई है उससे। हाँ। और एमपी अपोजिशन के अपना पक्ष रख सके, और एक बहुत ही हम संवाद चाहते थे, लेकिन सरकार ने अपोजिशन को पूरी तरह नकारा है। अब आगे क्या रुख होगा आपका और समाजवादी पार्टी का, जिस तरीके से लोकसभा में ये तमाम चीजें हुई, जो पूरा मंजर घटा, क्या रुख होगा आप लोगों का? मैं समझती हूँ कि सभी पार्टियों के जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सब लोगों की मुलाकात होगी, एंड जो भी वहां से हमको इश्यू होंगे, जो भी हमें दिया जाएगा फैसला, तो उसी पे काम किया जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में आप लोग, आपकी पार्टी लगातार, डिंपल जी, सवाल उठा रही है कि लोकतंत्र में जिस तरीके से अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिस तरीके से जो मूल्य है उनका हनन किया जा रहा है, उस पर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, ये कितना उचित है? संसद जो है वो बनी ही इसीलिए है कि हम लोगों के सवाल उठा सके। हाँ। मैं समझती हूँ जिस तरह से आज हमारे पूरे देश में बेरोजगारी है, जहाँ हमारे किसान परेशान हैं, जहाँ युवाओं के पास नौकरी नहीं है, और जहाँ महिलाओं के पास सुरक्षा नहीं है, तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो देश फेस कर रहा है। लेकिन मौजूदा जो सरकार है उसको यह मुद्दों को ना देखते हुए वो हमेशा लगातार ध्यान भटकाने का काम कर रही है, और मूल मुद्दों से जिससे हम विकास की तरफ जा सकते हैं, जिससे हम खुशहाली की तरफ जा सकते हैं, जिससे हम प्रगति की तरफ जा सकते हैं, इस मुद्दों को कम्प्लीटली डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, इसमें आपका भी जी बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, भारत समाचार के साथ बातचीत करने के लिए। थी डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी से सांसद। ना सिर्फ डिंपल यादव बल्कि दूसरे जो दल हैं वहां से भी सांसदों का निलंबन हुआ है, और लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मेरे साथ स्वाति पाठक जुड़ी हुई है इस खबर पर बातचीत करने के लिए। स्वाति, अब देखिए।